सर्च पॉइंट के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, तमाम मुल्कों के हालात कशीदा से कशीदा तर होते जा रहे हैं। जहां इन तमाम मुल्कों को खुशहाली के लिए कदम उठाने चाहिए थे, वहां अब तमाम मुल्क टेक्नोलॉजी बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि हर मुल्क का बस एक ही थीम और एजेंडा है कि हमारा मुल्क तमाम तर दुनिया से ताकतवर हो। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने ऐसी कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज बना ली हैं जो किसी दूसरे मुल्क के पास मुमकिन ही नहीं है, और अगले आने वाले कई सालों तक भी कोई और मुल्क इन्हें नहीं बना सकेगा। नाज़रीन ग्रामी, अकल किसी के बाप की जागीर नहीं होती कि कोई एक ही इस पर कब्जा जमा कर बैठ जाए। दोस्तों, ये अकल अल्लाह पाक ने मुसलमानों और गैर मुसलमों को भी अता की हुई है, जिसे कोई भी, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, किसी काम में भी इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए पाकिस्तान से जैलिस होने वाले जैलिस ना हो, आप खुद भी कोशिश करो और ऐसी टेक्नोलॉजी बनाओ। और जैसे हम खुद पे फख्र करके ये बताने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमारे पास फलां टेक्नोलॉजी मौजूद है, इसी तरह आप भी ऐसी टेक्नोलॉजी बनाओ और दुनिया को दिखाओ। दोस्तों, आज की टेक्नोलॉजी के बारे में जानकर आप बड़े फख्र से अपने दोस्तों और अपनों को बता सकेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। क्योंकि आज जिस टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो है ही इतनी कमाल की कि मुझे पाकिस्तानी होने पर फख्र महसूस हो रहा है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी की बात करने से पहले मैं उन गैर मुस्लिम दोस्तों से मुखातिब हूँ जो एक तो पाकिस्तान के खिलाफ गलत लैंग्वेज यूज़ करते हैं और साथ ही ये ताना देते हैं कि पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी से ध्यान हटाकर पाकिस्तान की गुर्बत में ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, मैं अर्ज करता चलूं कि पाकिस्तान में आपके मुल्क के मुकाबले में गुर्बत 2% भी मौजूद नहीं है। आपकी गुर्बत तो कम अज कम 70% हर आबादी में मौजूद है। नाज़रीन ग्रामी, बात करते हैं पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी के बारे में। नंबर 1, NVERD ट्रेवल एंटीमाइन। दोस्तों, आपको बताते चलें कि आखिर ये है क्या बला। तो दोस्तों, अगर ऐसा वक्त आता है कि पाकिस्तान की आर्मी को दुश्मन के इलाके में इंटर होना हो, तो पाकिस्तान आर्मी इस एंटीमाइन रूलर को अपने टैंकों और तमाम दूसरे हथियारों से आगे रखा करती है। इसका काम ये होता है कि अगर दुश्मन ने अपने इलाके में एंट्री के रास्तों पे कहीं भी माइन ब्लास्ट लगा रखे हों, तो ये एंटी माइन इन बमों को खुदकार निज़ाम के जरिए तलाश कर लेता है, साथ ही इस बम को तबाह कर देता है। इस एंटी माइन रूलर में ऐसा लेजर सिस्टम नस्ब किया गया है जो शुआओं के जरिए जमीन के अंदर छुपे हुए बम या माइन को तलाश कर लेता है। इसे पाकिस्तान के साथ मिलकर एक और दोस्त मुल्क ने इजाद किया है। इसमें 56 mm की आर्म ग्लासेस विंडो और डबल स्क्रीन कैप फ्लोर भी मौजूद होती है। इसमें दो आदमियों के बैठने की जगह है, एक इसे ड्राइव करता है और दूसरा बारूदी मवाद को तबाह करता है। नाजरीन, नंबर 2, AM-50B। दोस्तों, ये आर्म्ड व्हीकल लॉन्च ब्रिज है। ये व्हीकल ब्रिज पाकिस्तान उन मकाम पर इस्तेमाल करता है जहां टैंकों और गाड़ियों के गुजरने की जगह पर रास्ते में पहाड़ी आ जाए या कोई खंदक हो, और अगर कहीं किसी नहर से गुजरना हो तो वहां भी ये लॉन्च व्हीकल ब्रिज इस्तेमाल किया जाता है। आसान लफ्जों में ये आर्टिफिशियल पुल है जो दौराने ऑपरेशन इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। ऐसी 4 आर्म व्हीकल लार्ज ब्रिज एक दोस्त मुल्क से खरीद कर एडवांस टेक्नोलॉजी में तैयार करनी पाकिस्तान ने शुरू कर दी है। दोस्तों, नंबर 3 पे आता है MVRDE ड्रैगन। अल्हम्दुलिल्लाह, इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान ने बजाते खुद बनाया है। दोस्तों, ये ड्रैगन व्हीकल इतनी मजबूत बनाई गई है कि अगर इसके नीचे ताकतवर तरीन बम भी फट जाए तो इसे थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुंच पाएगा। ये ड्रैगन व्हीकल आर्मी के लिए रास्ता साफ करने और बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। जिस रास्ते से आर्मी की गाड़ियां और टैंक गुजरते हैं, अगर इस रास्ते में कहीं कोई माइन आ जाए तो इसमें ऐसा सिस्टम लॉन्च किया गया है कि ये मवाद को फटने की मोहलत दिए बगैर बहुत दूर ऑटो तरीके से फेंकने की सलाहियत रखती है। और मजे की बात ये है कि अगर किसी तरह से कोई बम इसके नीचे आकर फट जाए तो इसे किसी तरह से भी कोई नुकसान नहीं पहुंच पाता। दोस्तों, नंबर 4 पे आता है अल खालिद व्हीकल ब्रिज। इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाया है। ये टेक्नोलॉजी तालाब, गड़े
और खंडकों के मकामात पे ब्रिज बनाने के काम आती है और इनकी तादाद पाकिस्तान के पास 10 है और इस टेक्नोलॉजी को मजीद एडवांस बनाने के लिए काम जारी है। नाज़रीन मोहतरम, नंबर 5 पे माइन डिस्पेंसिंग सिस्टम है। इस टेक्नोलॉजी को भी पाकिस्तान ने खुद बनाया है और इसे इतना एडवांस बनाया गया है कि एक सेकंड में ये 500 बम दुश्मन की फौज पे फायर करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, थोड़ी देर के लिए सोचें कि अगर दुश्मन की 1,00,000 फौज एक मकाम पे खड़ी है और इससे फौज पे फायर किया जाए तो कितनी देर में 1,00,000 फौजी खत्म हो जाएंगे। ये दुश्मनों के लिए इंतहा से ज्यादा मौलिक हथियार है। नाज़रीन, नंबर 6 टाइप 84। नाज़रीन ग्रामी, ये एक माइन रॉकेट सिस्टम है जो पाकिस्तान ने चाइना से खरीदा है। दोस्तों, पाकिस्तान की ये टेक्नोलॉजी भी इंतहाई ताकतवर है। ये टेक्नोलॉजी जंग के दौरान दुश्मन को जमीनी तौर पर निस्तो नाबूद करने के लिए बनाई गई है। इसमें रॉकेट गन सिस्टम नस्ब किया गया है। इस सिस्टम की खास बात यह है कि इसकी तमाम ट्यूब्स में 3-3 रॉकेट लोड होते हैं और एक वक्त में ये दुश्मन पे 24 रॉकेट फायर कर सकती है। दोस्तों, आप खुद अंदाजा करें कि अगर एक ही वक्त में दुश्मन फौज पे 24 रॉकेट फायर किए जाएं तो दुश्मन का क्या हाल हो सकता है। ये व्हीकल एक वक्त में 7,800 किलोग्राम का कम्बेट वेट उठा सकती है। इस व्हीकल को सिर्फ शॉर्ट रेंज में हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी जंग के दौरान फेस टू फेस, क्योंकि इसमें जो रॉकेट इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी रेंज 45 किलोमीटर रखी गई है। नाज़रीन, नंबर 7 M88 वन आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल। नाज़रीन ग्रामी, ये व्हीकल पाकिस्तान ने अमेरिका से खरीदी है। पाकिस्तान के पास इन व्हीकल्स की तादाद 52 है। दोस्तों, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिससे जंग के दौरान आर्मी की गाड़ियों या टैंकों को नुकसान हो तो उन्हें मौका पर इस व्हीकल के जरिए ठीक किया जाता है, मतलब जंग के लिए फिर ठीक करते हुए मैदान में उतारा जा सकता है। इससे दौरान जंग या किसी और मकाम पे भी गाड़ी या टैंक के किसी गड्ढे में फंस जाने की सूरत में इस टेक्नोलॉजी की मदद से निकाला जा सकता है। दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी की अब कोई भी हद नहीं रही, क्योंकि पाकिस्तान आए रोज नई इजादात पे नित नए डिजाइन तैयार कर रहा है और दूसरे मुमालिक से खरीद रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक ऐसी दासे टेक्नोलॉजी तैयार की जाएगी कि जिसे न्यूक्लियर बम से भी तबाह करना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने इस दुनिया में बहुत सी ऐसी दातें पैदा की जो इंतहाई कीमती हैं, जो दूसरे मुल्कों को मुयस्सर नहीं हैं, और वो कीमती दातें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मौजूद हैं, मगर फिल वक्त मैं उनका जिक्र नहीं कर सकता क्योंकि वो पाकिस्तान का असासा और आने वाला कल है। शायद इसीलिए गजवे हिंद की पेशनगोई की गई थी, क्योंकि उस वक्त तक पाकिस्तान इंतहाई ताकतवर हो जाना है और मुसलमानों के लिए वो खुशखबरी जो 1450 साल पहले की गई थी वो साबित होकर रहेगी। अगर आप भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो कमेंट सेक्शन में नारे तकबीर अल्लाह अकबर बुलंद करें और पाक फौज जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद लाजमन लिखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगेबान।